माननीय उपाध्यक्ष राज्यसभा श्री हरिवंश जी से अनुरोध है कि वे सभा को संबोधित करें। महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय स्पीकर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा व सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 के चेयरमैन श्री प्रशांत डी सोना जी, माननीय स्पीकर सिक्किम विधानसभा श्री अरुण कुमार उत्पेती जी, माननीय डिप्टी स्पीकर सिक्किम विधानसभा श्री संगे लेपचा जी, माननीय मुख्यमंत्री सिक्किम श्री प्रेम सिंह तवांग जी, उत्तर पूर्वी राज्यों के माननीय स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकरगण, सिक्किम सरकार के माननीय मंत्रीगण, सिक्किम के माननीय सांसद, सिक्किम विधानसभा के माननीय सदस्यगण, लोकसभा के सांसदगण, राज्यसभा के सचिव श्री रजित पुनहानी जी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी अधिकारीगण, उत्तर पूर्वी राज्यों के विधान मंडलों के अधिकारीगण एवं उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, नमस्कार। इस खूबसूरत शहर गैंगटोक में 19वें नॉर्थ ईस्ट रीजन सीपीए सम्मेलन के सफल समापन के लिए आयोजकों को बधाई, खासतौर से सिक्किम सरकार, सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष और यहां कामकाज में लगे राज्य के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर आयोजन के लिए। 2 दिवसीय इस चर्चा में अनेक उल्लेखनीय बातें सामने आई। आपने देखा 3 महत्वपूर्ण विषयों पर हम सब ने चर्चा की। पहला विषय था साइबर बुलिंग, दूसरा था ड्रग मेनांस, इसके प्रभाव से कैसे समाज और देश बचे, और विधायिका को जनता के और पास यानी विधायिका जनता के बीच किस रूप में और प्रगाढ़ आत्मीय रिश्ता बने, इस पर मैं कह सकता हूं कि व्यापक जनहित में चर्चा हुई और सभी वक्ताओं ने अपनी सीमाओं, बंधनों, विचारों, दलों से ऊपर उठकर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बातें की। कह सकता हूं कि प्रकृति ने नॉर्थ ईस्ट को अनुपम सौंदर्य दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के इस क्षेत्र की प्राथमिकता फोकस की बातें हमने यहां वक्ताओं से सुनी। हम जानते हैं कि देश में सूरज की रोशनी पहले उत्तर पूर्व में उतरती है, फिर शेष भारत पर। सिक्किम में जो 2 दिवसीय चर्चा हुई, इसमें कुछ मुद्दों पर जो माननीय वक्ताओं ने अपनी राय दी, जो सुझाव दिए, मैं मानता हूं कि आज के देश की राजनीति के लिए वे बड़े प्रासंगिक और सीखने योग्य हैं। जैसे सूरज की रोशनी इस इलाके से देश में प्रवेश करती है, मुझे यकीन है कि यहां जो सुझाव मिले वो देश के अन्य हिस्सों में अन्य लोगों के लिए उतने प्रासंगिक और प्रेरित करने वाले होंगे। जैसे कल 5 वक्ताओं ने अपनी राय रखी 3 विषयों पर। 3 वक्ताओं ने, जिनमें काफी अनुभवी लोग थे, एक व्यक्ति जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, ये जो हम परंपरागत अपनी राजनीति की भाषा में कहते हैं पक्ष और सत्ता पक्ष, वैसे लोग नहीं थे वो, बल्कि उस भाषा में कहें तो आप मान सकते हैं कि वो सरकार से बाहर के व्यक्ति थे, दूसरे दल के। पर ये सबने कहा कि जो डिसरप्शन आज की तारीख में है, जो बाधाएं आती हैं काम में हमारे, जो शोरगुल होता है, जो हंगामे होते हैं, हमें इससे 21वीं शताब्दी में बचने की कोशिश किसी भी हालत में करनी चाहिए, इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। यही नहीं, यहां यानी नॉर्थ ईस्ट की विधानसभाओं में किस तरह का कार्य संचालन होता है, किस तरह आपस में एक प्रभावी राजनीति राज्य को आगे ले जाए, इसके लिए दलों के आग्रह से ऊपर उठकर लोग काम करते हैं, इसकी भी नजीरें लोगों ने कल दी। मुझे उम्मीद है कि देश की राजनीति के लिए यहां से जो संदेश निकला वो बाकी अन्य लोगों के लिए भी प्रेरक होगा। दूसरा ये भी सवाल उठा कि आज जो कई स्थिति सामने आती है उसमें कम से कम हम लेजिस्लेचर्स अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो करें, यानी जो गांधी ने कहा था कि हम कुछ सवालों पर खुद आत्मनिरीक्षण करें कि अगर ये मौजूदा स्थिति संतोषप्रद नहीं है या कोई कमी है तो उसमें हमारी सार्थक भूमिका क्या हो सकती है। बड़े इनोवेटिव सुझाव आए, पॉलिसी एक्सक्यूशन से लेकर और
कैसे प्रैक्टिकली उनका इंप्लीमेंटेशन हो इसके बारे में, और क्या क्या नए प्रयोग हो रहे हैं। जैसे असम में खास तौर से असम विधानसभा ने यह प्रयोग शुरू किया है कि एक एक विधायक, इसके लिए कुछ फंड भी उपलब्ध करा रहे हैं कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाएं और वो ये ड्रग और अन्य चीजों के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों से इंटरेक्ट करें, बताएं, उनको सजग करें। मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। तो यहां जैसा कहा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की भी बात उठी कि जहां हम कर सकते हैं कुछ, वहां हम कदम क्यों नहीं बढ़ाए। यह दरअसल जब ये चर्चा मैं सुन रहा था तो मुझे स्मरण हुआ, यह बुद्ध के प्रभाव का भी क्षेत्र है। लगभग 2500 वर्ष पहले आज जिन्हें हम भगवान बुद्ध कहते हैं, उन्होंने कहा, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल साहब जिस इलाके से आते हैं, जो उनका कार्य क्षेत्र रहा है, वो सारनाथ, जहां से वो संदेश गूंजा और दुनिया में गया, तो उन्होंने उस वक्त कैसे पॉजिटिविटी की बात की थी। इससे पहले हमारे उपनिषदों में चर्चा आती है, विवेकानंद ने घूम घूम कर यह तथ्य बताया, और गांधी ने राजनीति में आने के बाद 75 वर्ष पहले हम आजाद हुए, पर उस आजादी के पहले पूरे देश में कहा कि जो आप सोचते हैं वही होंगे। यहां तीन लोगों ने कल महत्वपूर्ण कहा, राजनीति में पॉजिटिविटी आए, और तीनों अगर परंपरागत राजनीतिक परिभाषा में आप पूछेंगे तो अलग अलग विचारों और अलग अलग समूह के थे। ये बहुत अद्भुत अनूठी एक सकारात्मक आगे बढ़ता हुआ कदम है राजनीति का, ऐसा मैं मानता हूं। यह कहा गया कि आजादी के अमृत काल में उसी पॉजिटिव एटीट्यूड और डेमोक्रेसी में सकारात्मकता के स्वर की जरूरत है। साथ ही व्यवहारिक सुझाव भी आए कुछ कि जन भागीदारी या लेजिस्लेटिव वर्क या विधायी संस्थाएं कैसे जनता के पास पहुंच सके, इसके लिए कई नॉर्थ ईस्ट के स्पीकर्स ने सुझाव दिया। एक व्यक्ति ने प्रैक्टिकली सुझाव दिया कि कोई बिल अगर जल्द आता है तो हम आग्रह करें माननीय स्पीकर के माध्यम से सरकार से कि भाई कम से कम 15 दिन पहले लाएं, तो उस बिल के बारे में अपने क्षेत्र में जाकर अपने संबंधित लोगों से हम चर्चा परामर्श करें, वो राय ला करके हम सदन में रिफ्लेक्ट कर सकें, तो इससे एक जन भागीदारी बढ़ेगी। कल हम सब ने यह भी चर्चा की कि चूंकि यूथ हमारी सबसे बड़ी आबादी है, यह आबादी आने वाले वर्षों में देश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स होगी, इसको किसी तरह की चुनौती से बचा कर रखना और आगे ले जाना ये हमारा काम है, और इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, कदम उठाए जाने चाहिए। अगर इन यूथ्स को आगे आने का हम मौका नहीं देंगे तो बहुत बढ़िया, माननीय हमारे हिमाचल के बड़े अनुभवी स्पीकर साहब ने कहा कि 68 विधायकों में से 23 नए विधायक जनता ने स्वतः चुनकर भेज दिया, यानी दीवारों पर इबारत साफ लिखी हुई है कि कैसे हम युवा ताकत को, युवा ऊर्जा को आगे लाए, उन्हें तरजीह दें। आजादी की समृद्ध काल से शताब्दी वर्ष 2047 तक की यात्रा में हमारा फोकस, माननीय प्रधानमंत्री का फोकस लगातार यूथ की समग्र भागीदारी पर है। हर क्षेत्र में उनकी साझेदारी या उनकी सक्रियता बढ़े इस पर है। इस कॉन्टेक्स्ट में इसी माह 6 से 8 फरवरी को G20 समिट के अंतर्गत फर्स्ट यूथ 20 समिट की इंसेप्शन मीटिंग गुवाहाटी में संपन्न हुई। इस बैठक में क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन, यूथ इन डेमोक्रेसी एंड वेलबींग इन स्पोर्ट्स पर फोकस रहा। इसके अतिरिक्त बिजनेस 20 ग्रुप की बैठक मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में होने वाली है। पर यह तथ्य व यथार्थ है कि हमारे युवा डिजिटल व कॉम्पिटिटिव संसार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और सफलतापूर्वक करेंगे। हम उनके लिए अगर जैसा सुझाव आया कि जो बदलाव आने वाले हैं उनको हम देखकर सोच करके अभी से लेजिस्लेटिव उसके हम रास्ते निकालें, विधायी रास्ते निकालें। यहां से यह भी आवाज उठी कि बताया यहां के स्पीकर्स ने जो इस इलाके की समस्या है एक ट्रक ट्रैफिकिंग वगैरह की, कि कैसे यह बढ़ते भारत, सशक्त होते भारत के को कमजोर करने का भी एक बाहरी प्रयास है। इसके बारे में यही के स्थानीय लोगों ने यह साझेदारी की। यह भी बताया गया कि 21वीं सदी की राजनीति कैसे बदलने वाली है। बहुत पैशनेटली हमारे उत्तराखंड की माननीय स्पीकर साहब ने कहा, यह सचमुच
कल को जो क्लास आने वाला है किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सब चीजें बदलाव करेंगी उनके बारे में डिबेट और डेलिबरेट करने का अवसर है। आपने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, गूगल बार्ड उसका जो दो दो आ रहे हैं कॉम्पिटिटर है, पब्लिक में इस्तेमाल इनका जल्द शुरू होगा, रोबोट रिप्लेस करेंगे इंसान को। तो ये नई अपॉर्चुनिटीज बड़े पैमाने पर आ रही है, पुरानी अपॉर्चुनिटीज ऑब्सोलीट हो रही है। हम कैसे विधायी कामों से उनके लिए तैयार करें, बहुत सुंदर ढंग से सिक्किम के एक माननीय विधायक ने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की आज सुबह। तो तेजी से बदलती प्रतिस्पर्धी और तकनीकी दुनिया की चुनौतियों के लिए हम समाज को कैसे तैयार करें, अपने यूथ के लिए कैसे हम बेहतर माहौल दें, यह दायित्व हम सब पर है। यह भी कहा गया कि मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, इसलिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है हमें। लेजिस्लेचर्स के रूप में हम अपनी यूथ पॉपुलेशन में ड्रग एब्यूज की चुनौती से निपटने के लिए रिक्वायर्ड पॉलिसी और इफेक्टिव इंटरवेंशन को फ्रेम दें और सख्त कानून बनाएं, ये भी आवाज उठी। हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से कैसे हमें निपटना है और कैसे आज के यूथ को रचनात्मक और बेहतर तरीके से प्रोडक्टिव काम में लगाना, ये हमारे सामने चुनौती है। ये भी आवाज उठी कि आज हमें स्ट्रिंजेंट साइबर लॉज की जरूरत है। यह भी आवाज उठी कि अपने बच्चों को कैसे हम साइबर बुलिंग और ड्रग एब्यूज से सेफ रखें, इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। और कुछ चीजों पर यह आवाज साफ साफ आई कि इसके लिए सख्त कानून की भी जरूरत हो, तो हमें इस पर सोचना चाहिए, एक मत बनना चाहिए। यह भी बात उठी जो बड़ा सार्थक मैं मानता हूं कि आज पूरे देश या समाज में या राजनीति में हम सिर्फ ड्यूटी की बात अपने बात करते हैं हम कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमें अधिकार क्या चाहिए, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या है इस पर चर्चा नहीं होती। माननीय स्पीकर ने कहा कि आज वक्त है कि हम इस पर चर्चा करें। तो इन तीनों बड़े बर्निंग और की इश्यूज पर जिस रूप में इनोवेटिव ढंग से यहां चर्चा हुई, निश्चित रूप से उसे एक सार्थक दिशा कम से कम नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं मिलेगी, देश की ये समस्या पूरे देश और दुनिया की, मैंने तो कहा मानवता से जुड़ी हुई है, सबको मिलेगी, यह मेरा यकीन है। मैं पुनः अंत में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा और सीपीए इंडिया रीजन जोन के 3 के चेयरमैन श्री प्रशांत डी सोना जी, अध्यक्ष सिक्किम विधानसभा श्री अरुण कुमार उप्रेती जी, माननीय मुख्यमंत्री सिक्किम श्री प्रेम सिंह तवांग जी और सभी लोगों का, यहाँ विधानसभा के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का इस सम्मेलन की उत्कृष्ट मेजबानी, बहुत अच्छी तरह से अवगत करने के लिए वार्म्थ जो मिला, आत्मीयता मिली, उसके लिए मैं इस उत्कृष्ट आतिथ्य के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।